दो चिक हैं और 6 अंडे हैं जो कि काफी मस्त ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है। 6-7 बच्चे हैं जो कि मैं अच्छे से गिन नहीं पा रहा हूँ। यही है वो हैंड टाइम लवर्ड। तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहे। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आए हैं उमर भाई के सेटअप पे, जो कि उमर भाई का सेटअप पे हम लोग इससे पहले भी एक बार आ चुके हैं, बट इस बार हम लोग दोबारा से आए हैं। पिछली बार कुछ ज़्यादा ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार शायद ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी हो। बाकी उमर भाई के यहाँ पे ये है उमर भाई का सेटअप, जो कि काफ़ी बड़ा सेटअप है इनका, यहाँ से पूरा वहाँ तक इनका सेटअप है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ मटकियाँ हैं जो कि मटकियों को सूखने के लिए लगाए हैं, और ये काफ़ी मजबूत मटकी है। तो मैं दिखाऊँ आपको, वहाँ पे उठा के काफ़ी मजबूत है और इसमें होल भी है। ये बजीस और जावा के लिए, फिंच के लिए रखते हैं, जो कि ये मंडी की वो मटकी है। काफ़ी महंगी पड़ी इनको, 50 रुपये 55 रुपये पड़ी थी टोटल भाड़ा वगैरह लेकर। और उसी के साथ साथ यहाँ पे भी कुछ मटकियाँ हैं, कुछ कॉकटेल की मटकियाँ हैं, और यहाँ पे कुछ अपना दरवाज़ा, जो कि दरवाजे के अंदर हम लोग जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ से कैसा व्यू आता है। चलिए गाइस, चलते हैं अंदर। और अंदर आने के बाद यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह भी लगी है, जो कि ऑटोमेटिक बंद हो जाता है दरवाज़ा, जो कि आगे भी सबको ऐसा लगाना चाहिए। और अंदर जाने के बाद यहाँ पे पिछली बार जब हम लोग आए थे तो कॉकटेल वगैरह जो थे वो एक केज में थे, बस इस बार जो है सेपरेट केज में है सब कुछ। डायमंड डब्बे ऊपर है और बहुत सारे इसी तरीके से है। थोड़ा सा लाइटिंग की इशू होगी क्योंकि सारा कुछ पैक हो गया है, इसके लिए कि अभी थोड़ा माहौल जो है वो ठंडी का चल रहा है, जो कि सारे बर्ड्स को ठंडी लगती है, इसके लिए पूरा केज जो है बंद है। और यहाँ पे एक एक कैच करके यहाँ पे कॉकटेल वगैरह भी है, जो कि यहाँ पे एक पेयर कॉकटेल है, बाकी एक एक पेयर करके सब कुछ है। उसी के साथ साथ यहाँ पे लव बर्ड एंड जावा और डायमंड डव भी है, और यहाँ पे जो अपनी जावा भी है, और जावा अलग अलग में भी केज में सेपरेट में भी है और एक केज में भी है। और यहाँ पे है कुछ अपने बजीस, और जिसमें ब्रीडिंग प्रोग्रेस होगी उसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हम लोग देखेंगे, बाकी जिसमें नहीं होगी तो हम लोग बाहर से ही दिखाएंगे और उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे। बाकी वहाँ पर भी कुछ अपने कॉकटेल भी हैं एक केज के अंदर, बाकी सेपरेट में भी है। यहाँ पर जावा है, जो कि जावा के अंदर भी मुझे लग रहा है कि ब्रीडिंग होगी, बट उनसे पूछने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे सब कुछ यही है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें ब्रीडिंग प्रोग्रेस है उसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करेंगे, और बाकी सब कुछ वहाँ पे ऊपर की साइड एक डायमंड डब है एक पेयर, जो कि डायमंड डब जो है काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी मस्त है। तो गाइस, बाकी मैंने ऊपर आपको सारा कुछ दिखाया, और नीचे के साइड यहाँ पे भी वजीस हैं, जो कि पिछली बार हम लोग आए थे तो इसमें भी खरगोश वगैरह थे, लेकिन इस बार जो है वजीस हैं, जो कि इसमें भी काफ़ी मस्त हैं और अच्छे से ये लोग ब्रीड कर रहे हैं। हो सकेगा तो मैं इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी अभी आपको दिखाऊँगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर है, तो इसमें भी वजीस है, इसमें भी वजीस है, जो कि बाहर से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, और इनके बैठने के लिए स्टिक वगैरह भी काफ़ी अच्छी खासी लगी हुई है। तो अभी दरवाज़ा खोलने के बाद यहाँ से आप देखिए काफ़ी मस्त है, एक लाइन से मटकियाँ लगी हुई है। अभी हो सकेगा तो मैं एक एक करके इनका जो है ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी चल रही है वो भी दिखाऊंगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आते हैं तो हम लोग यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि बजीस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अच्छा लव बर्ड है, इसमें लव बर्ड है, और इसमें लव बर्ड में काफ़ी ज़्यादा है। इसमें कितने पेयर होंगे उमर भाई? इसमें 7 पेयर लव बर्ड का सेटअप है, जो कि अंदर है और एक पीछे जो है कि एक खिड़की है, उसमें से ये लोग हवा वगैरह लेते हैं, तो काफ़ी मस्त यहाँ से लग रहा है। और इनके अंदर भी अगर कोई ब्रीडिंग प्रोग्रेस होगी तो हम लोग इसमें भी देखेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है कुछ खरगोश है, जो कि कुछ सेल के लिए भी होंगे, तो सेल के लिए होंगे तो इनका रेट क्या उम्र भी इनका रेट क्या है? 250। अच्छा, 250 रुपये पेयर इनके बच्चों का? अच्छा अच्छा, जो बच्चे हैं उनका 250 रुपये पेयर। अच्छा, बड़े और बच्चे दोनों सेल होंगे, जो ब्रीडर पेयर होंगे वो भी सेल होंगे, यहाँ से वहाँ तक जितने भी हैं। सिर्फ बच्चे का रेट जो है वो 250 रुपये है, और यहाँ से वहाँ तक इसमें तीन में वो है कि खरगोश है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे लव बर्ड और जो कि अपने बजीस है। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं इस बजीस के सेटअप के अंदर, जो है कि ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी चल रही है वो देखने। और यहाँ पे दरवाजे को खोल के ऐसे चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो है कि एक पूरा सेटअप है, इसमें से उड़ के भी जाएंगे तो कहीं दूसरी जगह जा नहीं पाएंगे। और यहाँ पे हम लोग इस वाली मटकी के अंदर अगर हम लोग चेक करें तो इसके अंदर मुझे कुछ भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ इस वाले साइड में भी, इसमें भी लगभग खाली है। एंड एक साइड से पूरी मटकियों का हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद इस वाले में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें 5 अंडे हैं, और मुझे लग रहा है कि इसमें फीमेल जो है वो अंदर ही थी। तो इस वाले में 5 अंडे हैं, और दूसरे साइड हम लोग बढ़ते हैं तो ये वाली भी खाली है, और उसी के साथ साथ इसमें भी जो कि फीमेल है वो बैठा हुआ है, और अंदर इसमें भी लगभग खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा इनको बैठने के लिए स्टिक वगैरह लगी हुई है, तो जिसकी वजह से हम लोग अंदर कम जा पाएंगे। और यहाँ से
इस वाले में भी अंडे हैं जो कि मुझे साहब एक एक चिक भी है, अच्छा दो चिक हैं और छः अंडे हैं जो कि काफ़ी मस्त ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है। छः छः अंडे अगर रहेंगे तो काफ़ी मस्त होगा और काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है। और उसके बाद हम लोग इस वाले में अगर देखें तो इसमें काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है। इसमें भी लगभग 6-7 बच्चे हैं जो कि मैं अच्छे से गिन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि एक के बाद एक चढ़े हुए हैं ऊपर, जो कि 6-7 इसमें भी बच्चे हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम इसमें आएंगे तो इसमें भी कुछ चिक्स हैं, ठीक है, तो इसमें भी चिक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है बजी इसकी। उसके बाद गाइस हम लोग इसमें अगर आते हैं तो इसमें भी खाली है एंड का, अब आप ही लोग देखोगे, मुझे कुछ यहाँ से दिखेगा नहीं। इस पर भी जो है कि फीमेल एक को दे रही है और उसके अंदर भी बच्चे हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है एंड का। इसी के साथ साथ इस वाले में अगर हम लोग देखें तो इसमें लगभग खाली है, तो इसी का कुछ बजीज के इस वाले सेटअप की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, जो कि अभी बजीज का 3-4 सेटअप और बाकी है और जिसमें ब्रीडिंग प्रोग्रेस होगी उमर भाई जिसे कहेंगे उसमें हम लोग चेक करें। तो गाइस मैंने सारी मटकियों को दिखाया और एक मटकी जो नीचे थी वो छूट गई है और इसमें से काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग देख भी पाएंगे। इसमें जो है कि बच्चे, इसमें एक बच्चा दिख रहा है और इसके अंदर 5 अंडे हैं। कुछ अंडे जो हैं वो अनफर्टाइल भी हैं, बाकी इसमें बच्चे भी हैं और बच्चे जो है कि बाहर निकल भी गए हैं। तो गाइस अभी मैंने इस वाले के अंदर जो थी ब्रीडिंग प्रोग्रेस जैसी थी उसमें हमने देखा, और अब नीचे वाले के अंदर जाते हैं जो कि इसमें थोड़ा सा लाइटिंग की इशू हो गई और मैं अपने फ्लैश को ऑन करके उसी फ्लैश के सहारे से आपको कैसी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही वो दिखाऊंगा। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं इस वाले सेटअप के अंदर और इसमें लगभग 6 मटकियाँ हैं, 3 इस साइड है, 3 इस साइड है और इसके अंदर की ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी चल रही है वो देखेंगे। तो इसमें भी शायद आप ही देख पाएंगे, इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे हैं और मुझे उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है यहाँ से। तो इसमें जो भी था वो आप ही देख पाएंगे, दूसरी साइड इसमें आएंगे तो इसमें से कुछ देखने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ बच्चे हैं और ऊपर से हम लोग जो इसकी में कुछ बच्चे थे और उसी के साथ साथ गाइस हम लोग जब दूसरी तरफ आते हैं तो इसमें भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस है और इसमें कुछ चिक्स हैं जो कि आप लोग गिन के बताना कि इसमें कितने चिक्स हैं। मुझे इतने अच्छे से यहाँ से दिख नहीं रहा है, बाकी ट्राइपॉड तो चला जाता है लेकिन मैं वहाँ तक नहीं जा पाता हूँ, उसके लिए यहाँ पे आते हैं। तो इसमें मुझे कुछ अंडे देखने को मिलते हैं, मुझे लग रहा है कि 2 अंडे हैं इसमें। और उसी के साथ साथ गई जिसमें जो कि मुझे लग रहा है कि फीमेल बैठी हुई है बाकी ये वाली, तो इसके अंदर भी अगर कुछ होगा तो अच्छे से दिखेगा। तो मुझे लग रहा है इसमें अंडे हैं क्योंकि ये अंडे को सेक रही है। दूसरी साइड गई यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर ही जाके इसको इसमें भी एक लेक हुई है जो कि 2 अंडे दिख रहे हैं, बाकी और कुछ दिख नहीं रहा इसके अंदर। एंड उसी के साथ साथ गाइस इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अंडे मुझे लग रहे हैं और इसके अंदर जो फीमेल है वो एक को सह रही है। तो बाकी जितने भी थे मैंने आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाया इन सब में भी है, तो बाकी इसमें मुझे लग रहा है कि बच्चे कम हैं और अंडे ज़्यादा हैं तो इसकी वजह से हम लोग इसके अंदर जाएंगे नहीं। बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, अगर एक एक करके दिखाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगी। बट इसके अंदर का व्यू कैसा आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर भी 8-9 मटकियाँ लगी हुई हैं और इसके अंदर काफ़ी मस्त से बजीज हैं, कुछ कॉकटेल का सेटअप एंड गाइस यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है जो कि अंदर कॉकटेल है 3-4 पेयर और चार है कॉकटेल। और उसी के साथ साथ यहाँ पे भी कॉकटेल है, फिंच है, जावा है, सब सारे जो बर्ड्स हैं वो सेपरेट केज में भी है और एक अलग से जो केज उनका है वो भी है। बाकी उन कॉकटेल वगैरह के अंदर भी ब्रीड है, तो उसके साथ साथ उसके अंदर की जो दरवाज़ा है वो काफ़ी छोटा है जो कि एक सेपरेट केज के लिए इतना बड़ा ही दरवाज़ा लगता है, जिसमें ये इतना बड़ा ट्राइपॉड है कि इसमें जा नहीं पाएगा। तो इसके अंदर की हम लोग ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी चल रही है वो नहीं देख पाएंगे। बाकी उसके अंदर जो है कि मुझे लग रहा है कि कुछ अंडे होंगे, वो जो फीमेल है वो अंडे को सेक रही है, बाकी ऊपर डायमंड अब है और जो एक हैंड टाइम लव बर्ड है वो काफ़ी ऊपर चला गया है जो कि बुलाने पे तो आता है बट अभी वो काफ़ी अलग जगह पे चला गया है जो कि उसकी फिक्स जगह है। यही है वो हैंड टाइम लव बर्ड, वो जो ऊपर की साइड बैठा हुआ था और अभी अपने मन से ही आ गया बुलाने पे शायद। ओ भाई साहब ये लोग फिर से उसी जगह पे चला गया। बाकी कुछ यही था गाइज आज की इस वीडियो में यहाँ की कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस। सो उम्मीद करूँगा गाइज ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना एंड गाइज अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।